गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू इंडियन पहाड़ी रूट्स। आज का मौसम जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह सुबह बहुत सुंदर है बाहर का व्यू। एक्चुअल में तो व्यू दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ बादल दिख रहे हैं सामने, सिर्फ बादल दिख रहे हैं और नीचे से धुंध जा रही है, ऊपर तक पहुँचते पहुँचते वो बादल बनती हुई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। और यहाँ डुगू हमारा खेल रहा है और सुबह सुबह ही फ़ोन पे लग गया क्योंकि बाहर तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ मौसम ना अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ का मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। और मैं जब यहाँ आने वाली थी उससे पहले वाले व्लॉग में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इधर क्या होता है ना कि एकदम से मौसम का होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश थी, फिर जब फॉग आई, अभी धूप आई थी थोड़ी सी देर के लिए, फिर दोबारा वैसा ही मौसम है। बोलने के लिए तो रेनी सीज़न, और रेनी सीज़न में ऐसा ही होता है, बट यहाँ के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर कभी भी बारिश होगी, कभी भी मौसम ऐसा ही हो जाएगा, सर्दियाँ गर्मियाँ बरसात जब मर्जी। वैसे अब बरसात का मौसम तो शुरू ही हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये मौसम कभी भी आ सकता है। यहाँ पर गारंटी नहीं है कि बस उसी टाइम पे आएगा। अभी हाँ ज़्यादा बारिशें होंगी, बट ऐसा हमारे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा हमने चेंज देखा है मौसम में इधर। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने ना जो कान थे ना वो ढके नहीं हुए थे, लाइक यहाँ पर स्कार्फ पहनते हैं जैसे, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी बोलो यहाँ जैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है यहाँ पर, तो स्कार्फ अगर पहनो तो गर्मी लगती है। उसके बाद ना इवन जो मैं वो सदरी पहनती हूँ, जैकेट, हाफ जैकेट जो होती है वो भी, उसमें भी मुझे गर्मी लग रही होती है दिन के टाइम में। बट अभी ऐसा मौसम हुआ जब मैंने शायद आपको दिखाया वीडियो में कि फॉग एकदम से आई, और जैसे ना ये दूर से फॉग क्या, ये वही है जो बादल मतलब ऊपर बन रहे हैं। और दूर दूर में मैं बड़ी पिक्चर्स ले रही थी इस टाइम पे, शॉट्स बना रही थी बादलों के कि ये देखो यहाँ पर, और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि पीछे की तरफ से ना हमारे तरफ को ही वो फॉग आ रही थी, और इतनी ज़्यादा आई ना एकदम से, नहीं ये क्या हो गया, जैसे कि धुआं एकदम से। एक बारी को तो मुझे ये लगा किसी ने क्या आग जलाई है यहाँ पर, क्योंकि बस ये जैसे वो एक धुंध का एक छोटा सा बादल जो है वो आपके ऊपर से गया, पता नहीं यार मैं कितने करेक्ट वर्ड्स बोल रही होंगी, लेकिन जो भी बोल रही समझने की कोशिश करना, तो वैसा। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेरा दम घुटने लग गया था सच में, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा जो दम है वो घुट जाएगा, और इसीलिए मैं अंदर चली गई एंड फिर से दर्द स्टार्ट हो गया उसी से। एंड अब ये स्कार्फ प्रॉपरली डाल के मैं बैठ गई हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल मैचिंग है। और अभी टाइम वैसे 8:30 ही हुए हैं, तो पूरा दिन पड़ा है अभी, और जब ऐसा मौसम होता है तो बाहर भी नहीं निकला जाता बिल्कुल, घर के अंदर अंदर ही रहते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। जो पीछे आवाज़ आ रही है ये लस्सी बन रही है, मक्खन बन रहा है इसलिए। ठीक कहती हूँ ना मैं, यहाँ का मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, तो अभी भी बाहर कुछ और मौसम था और अब कुछ और है, बिल्कुल सनी हो गया है। हाँ थोड़ी बहुत फॉग है अभी। थोड़ी देर बाद फिर से मौसम चेंज हो चुका है एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है सामने की ओर। कैटू डुगु नहीं मारना, मुरना नहीं है, मैंने बोल दिया लगनी नहीं चाहिए कैटू को। नहीं 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 देखो 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 कैसे देख रही है वहां पर, इधर आ कैटी। नो 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 डुगु लेके इसको लेके आ, लेके जुठी करेगी डुगु। पहले क्लाउड्स बना दिए ना, बताओ रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं। ठीक है, रेड, ब्लू, ब्लैक, नो ब्लैक नहीं होता, ब्राउन, नो ग्रीन में डिफरेंट कलर्स कहूंगा, अभी सेम कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इतनी अच्छी ड्राइंग मुझे बार बार करनी पड़ती है। मैं सेम कलर्स करूंगा बस। मैंने सेम कलर्स करूंगा, मैं डिफरेंट कलर करूंगा। अब वाटर ड्रॉप्स बना रही हूँ। वाटर ड्रॉप्स किस कलर के होते हैं? आपको क्लाउड्स बनाने हैं थोड़ा ब्राउनिश ग्रेश कलर।
कुछ वो सब ब्लैक हो गया। देखो देख इतना अच्छा रेनबो बनाना, अब वो मत करना, खराब मत करना, इसको अच्छे से बनाओ। ठीक है ब्लैक कर मत करना। ठीक है मम्मा को सोने जाना था। अब वॉश करो इस कलर को, वॉश करो। हाँ ऑरेंज कलर। मम्मा मुझे देख मत। मैंने देख ली, आप ब्लैक कलर नहीं कर सकते इसमें। क्यों लग रहा है डुगु, ब्लैक कलर नहीं होता है। क्लाउड में कर दो ब्लैक कलर आप। बेटा अच्छी बात है, एक दिन आप बहुत अच्छा पेंट करोगे। मम्मा नहीं करती, जब मैं बेबी थी तब मैं भी इसमें ब्लैक पेंट कर रही थी। कर रहा था। अब ना ग्रीन कलर कर दो। ठीक है ये वाला ग्रीन कलर करते हैं। चलो ये वाला ग्रीन कलर करते हैं। तो ये ग्रीन में ऐसा ग्रीन होता है। बबल क्यों आ गए? मम्मा बबल क्यों आए? इधर एयर एंड ट्रैप हो गई क्योंकि आपने वहां तक पहुंचाया ही नहीं। ब्रश को, ब्रश ऐसे मत रगड़ो बेटा, दो ही दिन चलेगा इसके बाद चलेगा नहीं। फिर ब्रश आराम से, डुकू ब्रश को ऐसे नहीं करते, एक ही साइड को, ठंड में स्वेटर और टोपियां पहन के बैठे हुए हैं। मतलब ये भी अच्छी बात है और ऐसी ठंड भी नहीं कि मतलब सही ना जाए, जो यहाँ पर आई थिंक जुलाई के बाद बस स्टार्ट, अगस्त के बाद बस स्टार्ट हो जाएगी, जब काफ़ी ठंड हो जाएगी उस टाइम पे। पर फिलहाल यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत रिलीफ है, नहीं तो नीचे तो फिर एसी लगा के रखना पड़ता। फिनिश हो गया डुगू का रेनबो, जैसा भी है मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ा आर्टिस्टिक टाइप से डुगू ने इसको बनाया है। डुगू आप आर्टिस्ट बन गए, पेंटर। अब आप इसको ऐसे रहने देना, अभी बंद मत करना नहीं तो फिर कलर्स खराब हो जाएंगे। अभी सूखने दो, ड्राई ऑन दो उनको, ठीक है। चलो अब अंदर सोने जाना है। आज यहाँ का जो वेदर है ना, ये बार बार चेंज हो रहा है और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक्चुअली मैं अंदर से बहुत खुश होती हूँ जब ऐसा मुझे दिखता है, ऐसा वेदर होता है बाहर। और मैं खुद को बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरा घर ऐसी जगह पे है। तो बस आज का जो व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।